कोविड वापस थोड़ा फैलने लगा है, उसकी तैयारी में जो भारत सरकार के आदेशों के निर्देशन अनुसार हमने उसकी तैयारियां पूरी कर ली है। आज हमने सारे जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सब कुछ एक बार दोबारा चेक किया और सभी जो हमारे प्लांट हैं ऑक्सीजन प्लांट LMO प्लांट सभी अपनी वर्किंग में है और हमारे पास ICU और वेंटिलेटर की पूरी तैयारी है। इस वक्त कितने बेड्स है सर? इस वक्त हमारे पास में बेड जो SMS के अंदर है टोटल 2,570 बेड्स हैं, जिसमें के अंदर से अगर हम करें तो 1,751 बेड जो है वो पे ऑक्सीजन सप्लाई है और 438 बेड पे भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। लेकिन किस तरह की? देखिए अभी ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना की कोई या कोविड की कोई लहर यहाँ आ चुकी है, लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना है और इसी क्रम में आज हम जो यहाँ के हमारी जो तैयारियों का या हमारी जो जितनी भी यहाँ पे कोविड को लेकर सुविधा है उसका आकलन करने हम आज यहाँ पे जमा हुए और निकल रहे हैं। जैसा कि SMS हॉस्पिटल पहले भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं या दिखाने आते हैं और उन्हें जो कोविड कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की, एक सेपरेट हमने वार्ड किया यहाँ पे। पहले भी आप हमने 2 महीने पहले भी अलग से एक वार्ड उसको चिन्हित कर दिया था कि अगर ऐसा होता है और कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जब तक कि कोई डेडिकेटेड सेंटर में नहीं शिफ्ट होते हैं तब तक के लिए हम उनको उसको सेपरेट आइसोलेट करके उनको पेशेंट को रख सकते हैं।